अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सबको हमारी तरफ से और वोस्टर टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। पिछले रमज़ान से यही होता था, हम देखते थे जब रमज़ान आना स्टार्ट होता था, सहरी की अफ्तारी की रिजर्वेशंस हो जाती थी, रेस्टोरेंट्स में लाइनें लगी होती थी। दिस टाइम जो कोरोना वायरस की वजह से सारा लॉकडाउन हुआ है, इवन रेस्टोरेंट भी प्रॉपर क्लोज हैं, टेक अवे और डिलीवरी के अलावा तो आप जा ही नहीं सकते। अरे जितना पैसा है वो सारा हमारे पास है या सेफ हो रहा है, तो हमारा काम बनता है इस दफ़ा हमारे आसपास, हमारे वर्कर्स में, हमारे पास जो लोग काम करते हैं उन सब का हम लोगों ने ख्याल रखना है। पर्पस सारा रमज़ान का यही है कि हमने खाली पेट रहना है, ठीक है, फुल डे रहना है, ताकि हमें सोसाइटी में जिन लोगों को प्रॉपर खाने का नहीं मिलता, हमें एहसास होगा कि अगर एक बंदा फुल डे भूखा रहता है तो आसपास जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं उनको कैसा फील होता होगा। इस रमज़ान है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया सब लॉकडाउन हुई है, अब जो जितना भी वायरस फैला हुआ है, और एक हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। रमज़ान सारा स्टार्ट हो चुका है, एक इबादतों वाला और बरकतों वाला महीना है, तो हम सब लोगों को चाहिए थोड़ा टाइम दें, फुल डे ना करें, कोई भी नहीं कह रहा, एक एक घंटा या आधा घंटा भी हम प्रॉपर अपनी इबादत सही कर लें, फुल डे में कुरान पढ़ लें, अल्लाह से दिल से जो मांगे, इवन जो टेंशन पूरी वर्ल्ड में क्रिएट हुई है इससे रिलेटेड हम जो भी अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह हमें सब कुछ मिलेगा। किसी के साथ अच्छे तरीके से सलाम करना भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। सारा अपना ध्यान रखें, घर में रहें, हेल्दी फूड खाएं और फिज़िकली एक्टिविटीज छोटी मोटी जो भी करनी है वो करते रहें। सबको अगेन रमज़ान मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।